हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजडी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं और हमसे ये कहा गया है कि हमें इन एपीज में, ये जो 4 एपीज हमें दी गई हैं, उसमें हमें फर्स्ट टर्म बताना है और बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, वो हमें फाइंड करके देना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सो आप जानते हैं कि जैसा मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है एपी में, वो नंबर, वो टर्म जो पहली पोजिशन पे होगा उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ऑलराइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए और ए वन। तो अब यहां कह सकते हैं फॉर फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म ए इज 3। ऑलराइट, एंड कॉमन डिफरेंस की बात करें जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, दिस इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। आप चाहे तो ए थ्री माइनस ए टू कर सकते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट दिस इज एपी, दिस प्रोग्रेशन इज एपी। तो आप पहली दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल के भी आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर सेकेंड टर्म क्या है, 1 एंड फर्स्ट टर्म इज 3, सो दिस इज माइनस 2। ऑलराइट, तो यहां से आप लिख सकते हैं सो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें, अगेन हमारे पास एक और एपी गिवन है। यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन पे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है दैट इज माइनस 5, सो यू कैन से द फर्स्ट टर्म इज ए, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 एंड द कॉमन डिफरेंस जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, इट इज अगेन इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। एंड वट इज ए टू हेयर, सेकेंड द नंबर एट अ सेकेंड पोजिशन, सो यू कैन से माइनस 1 माइनस माइनस 5। ऑलराइट, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आपके पास आती है माइनस 1 प्लस 5, सो इट इज 4। ऑलराइट, सो यहां से आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू माइनस 5 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 4। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आगे चलने से पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लेके आना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मैंने क्लास में देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि जो एपी हमें दी गई है वो शफल करके दे दी गई है, तो जो नंबर छोटा होगा, सबसे छोटा नंबर जो होगा वो उसको फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। एपी आपको हमेशा एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलती है, तो जो नंबर आपकी फर्स्ट पोजीशन पे होगा वही आपके लिए फर्स्ट टर्म होगा। ऑलराइट, तो आप जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, 3, सो इसलिए फर्स्ट टर्म इज 3। अब सेकंड पार्ट में हम गए तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, इट इज माइनस 5, तो इसलिए फर्स्ट टर्म कौन हो गया, माइनस 5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3, मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। अगर अब आप बात करें थर्ड पार्ट की, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यानी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1/3, सो यू कैन से ए इज इक्वल टू 1/3। ऑलराइट, एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज स्मॉल डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू मीन्स द नंबर एट सेकेंड पोजिशन, द टर्म सेकेंड टर्म। ऑलराइट, सो इट इज 5/3 माइनस 1/3, तो आप इसे यहां ऐसे लिख सकते हैं 5/3 माइनस ऑफ 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, 5 माइनस 1, सो दिस विल बिकम 4/3। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसके लिए फाइनल आंसर। सो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 4/3। Alright, so this is your third part. Now come to the last part, that is fourth part. That was third part, now go to the fourth part.
So you can see again the first term is this one 0.6. आप देखें यहाँ पे पहले नंबर कौन सा पोजिशन पे है, फर्स्ट पोजिशन पे 0.6 है. तो यू कैन से फर्स्ट टर्म इज ए विच इज इक्वल टू 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस डी इट इज इक्वल टू स्मॉल डी. सो ए टू माइनस ए वन. सो यू कैन से 1.7 माइनस ऑफ 0.6. आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.1. ऑल राइट, दिस इज अ वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस. सो यहां से आप लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर. सो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1.1. ऑल राइट स्टूडेंट, सो दिस इज इट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. इफ इट्स सो देन प्लीज गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.